वालेकुम। आप देख रहे हैं मदर जायका। मदर जायका में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाही टुकड़े बनाना। तो चले वो रेसिपी मैं आपको सिखाती हूँ। एवरीडे ब्रेड आप कोई सी भी ले सकते हैं। ये मैंने एवरीडे निकाल कर रखा हुआ है। एक प्याली चीनी हाफ प्याली में डालूँगी, लेकिन मैंने एक प्याली निकाली है। ये जब हमारे शाही टुकड़े फ्राई हो जाएंगे तो उन्हें जूस लगाने के लिए चीनी का पानी मैंने बना कर रखा है। ये छोटी इलायची, इसके दाने निकाल कर रखे हुए हैं, बादाम, कॉर्नफ्लोर। इधर ये देखें ब्रेड मैंने निकाल कर रखी है। आपने देखे होंगे शाही टुकड़े अक्सर ऐसे इस शेप में होते हैं या इस शेप में होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक नए स्टाइल से स्टार की कटर से बनाना सिखाना बताती हूँ। इससे ये होगा कि चीज़ तो ये वही बनेगी, लेकिन एक थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाएगा उसका। जिसको बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। इसकी कटिंग बची है वो हम आलू को बॉईल करके उसके कटलेट्स में भी डाल सकते हैं। उसको अब ये दूध में मैंने छोटी इलायची डाल दी है। ये हाफ लीटर दूध है। और इधर मैं कॉर्नफ्लोर को मीठे पानी से मिक्स कर रही हूँ, जो मैंने यानी कि शाही टुकड़ों पर डाला था। यानी कि इस रबड़ी को आपने बहुत थिक सी फॉर्म में तैयार करना है। ये मैं इसमें हाफ एवरीडे डाल रही हूँ, हाफ प्याली। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और चम्मच मुसलसल हिलाते रहें। और ये हाफ प्याली चीनी मैंने इसमें डाली है। एवरीडे में भी चीनी होती है, वो भी बहुत मीठा दूध होता है। ये ऐसे सब पीस ऐसे लगाकर, और अब एंड में ये मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। आप देखते रहें कि ये अब कितना अच्छा सा थिक हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल ऐसे जैसे वो फिरनी की शक्ल होती है, ऐसे तैयार हो गया है। और बस इसको हल्की आंच पे पकाते रहें, फिर इन टुकड़ों के ऊपर डाल दें। टुकड़ों को चीनी का पानी, चाशनी ज़रूर लगाएं, उससे ये बहुत मीठे और क्रिस्पी सी बनेंगे। जो बाकी पीस बचे थे वो भी मैंने फ्राई कर लिए थे, अब इनके ऊपर भी ऐसे ही दोबारा आप लगाएं।
आप चाहें तो इसको डोंगे में डालकर भी बना सकते हैं। मैंने प्लेट में लगाया है, ऊपर से ऐसे बादाम डाल दें और वाकई ही बहुत मज़े के ये बने थे शाही टुकड़े। आप बनाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आओ ही पैकेट है। चाय पिलाना।